जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम हैं कोटला जाफर में, हमारी टीम हमारे साथ है। आप ये पीछे देख सकते हैं, ये सीवरेज का निज़ाम है। यहाँ पे सड़क पे चलने का रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है। यहाँ से गुजरने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। वो अगली तरफ मस्जिद भी है, यहाँ पे मस्जिद में जाने के लिए भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं सीवरेज के हवाले से। आपको क्या मसाइल है सीवरेज के हवाले से? हमारा जी ये सीवरेज के मसाला है, गलियों में पानी खड़ा रहता है, कोई नमाज के लिए नहीं जा सकता, मोबाइल टावर वगैरह नहीं है। आला हुकाम से अपील है कि हमें मोबाइल टावर और सीवरेज का निज़ाम दिया जाए। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है, मखदूम मुर्तजा महमूद और रईस नबील अहमद से मुतालबा किया है कि जो हमारे मकामी MN और MP हैं, यहाँ से भोंग मस्जिद तकरीबन है 10 किलोमीटर के फासले में मौजूद है, तो हम उनसे मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे आके उनके मसाइल सुने और देखें। ये चराग तले अंधेरे वाली बात है, तो रईस नबील अहमद से गुजारिश करेंगे कि वो कोटला जाफर के मसाइल फौरी तौर पर हल करें, और मखदूम मुर्तजा महमूद से भी कहेंगे कि वो भी फौरी तौर पर इनके मसाइल सुने। और यहाँ पे जो ये बड़ा खुश ज़बरदस्त इलाका है, आज कोटला जाफर मुझे पहली दफ़ा आना हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 100 के लगभग दुकानें हैं, बहुत अच्छा कारोबार है, लोग खुशहाल हैं, बड़ी खुशी हो रही है, पुरअमन ज़िंदगी है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ रोज़ पहले कच्चे का ऑपरेशन हुआ, अब भी ऑपरेशन जारी है। यहाँ पे लोगों ने अप्रिशिएट किया है पंजाब पुलिस को और ASP सर्कल सादकाबाद को, पूरी पुलिस को इन्होंने खराज तहसीन पेश किया कि आज यहाँ पे अमन कैम हो चुका है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं।